नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स। ये सभी क्वेश्चंस आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, फिर चाहे आपका कोई भी स्टेट पीसीएस हो। ठीक है, ये आपका 47वां टेस्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 46 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं। 47वें टेस्ट का पहला क्वेश्चंस क्या है हमारा? भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में जन्म और देशीयकरण दोनों के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति की श्रेणी का भारत के विदेशी नागरिक की श्रेणी के साथ विलय कर दिया गया है। ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर एक में आपके दोनों कथन सही हैं। क्या है? दोनों कथन सही हैं। तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना सुनिश्चित करती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना सुनिश्चित करती है आर्थिक स्वतंत्रता? नहीं। अवसरों की समानता? सही है। विश्वास की समानता? ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर दो में दो और तीन सही है, एक इसमें गलत है। संविधान की प्रस्तावना दो बातों को स्पष्ट करती है, पहला शासन की संरचना और दूसरा स्वतंत्र भारत के आदर्शों के बारे में। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना में भारतीय राज्य का उल्लेख संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में मान्य है। प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य निम्नलिखित हैं: न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, विचार अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो क्वेश्चन नंबर दो में आपका सी सही था, दो और तीन। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है। गलत है। केवल संविधानिक संशोधन द्वारा ही भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जा सकता है। ये आपका सही है। दूसरा कथन इसमें सही है, पहला आपका गलत है। संविधान संसद को नए राज्यों का गठन या राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करने या राज्यों की सहमति के बिना मौजूदा राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने के लिए अधिकृत करता है। संसद अपनी इच्छा के अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। इसलिए भारत को विनाशकारी राज्यों की अविनाशकारी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। बेरुवाड़ी यूनियन बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 में किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को हस्तांतरित करना शामिल नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही एक भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। हालांकि जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद का समाधान एक अलग मुद्दा हो जाता है। तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। सही है। लोग मतदान के अधिकार के माध्यम से अपने संप्रभु इच्छा व्यक्त करते हैं। यह भी आपका सही है। यह सभी वयस्क नागरिकों को राज्य के शासन में शामिल होने की अनुमति देता है। यह भी आपका सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपके तीनों कथन सही है।
तीनों कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है हमारा 5। 1837 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान था, सही है। इसने प्रशासनिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को समाप्त कर दिया, ये आपका गलत है। इसने यूरोपीय आप्रवासन पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 1 और 3 कथन सही है, बाकी दूसरा गलत है। 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, इस अधिनियम में भारतीय कानूनों के समेकित और हस्तांतरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था। वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अधिनियम की विशेषताओं की बात करें तो इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसने बंबई और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए अन्य विधायी शक्तियां प्रदान की। इसके एक व्यापारिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, जिससे यह पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बन गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें 5 में आपका बी ऑप्शन सही था। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुता निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? एक राष्ट्र के रूप में सर्वोच्च प्राधिकार एवं पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, सही है। सरकार के अंगों और संवैधानिक प्राधिकारियों की शक्ति का स्रोत केवल भारत के लोग, ये भी आपका सही है। संप्रभुता भारत की संसद में निहित है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 1 और 2 कथन सही है, बाकी तीसरा गलत है। संप्रभुता की यह विशेषता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए के बीच एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए अस्तित्व की गरिमा सुनिश्चित करता है। हालांकि संविधान का निर्दिष्ट नहीं करता कि संप्रभु प्राधिकार कहाँ निर्दिष्ट है, लेकिन प्रस्तावना में हम भारत के लोग का उल्लेख यह दर्शाता है कि संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। क्वेश्चन नंबर 6वें में आपका 1 और 2 कथन सही था। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। प्रस्तावना में बंधुता के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करता है, सही है। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित निश्चित करता है, ये भी आपका सही है। प्रस्तावना में अखंडता शब्द 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 1 और 3 सही है। जो आपका अखंडता शब्द है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब जोड़ा गया था। ए ऑप्शन सही है 7 में। क्वेश्चन है 8। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक न्याय की अवधारणा की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। क्वेश्चन 8 में आपका ये ऑप्शन सही है। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापक यंत्रीकरण
आधारित गेहूं की कृषि, चिनोक नामक स्थानीय हवा से प्रभावित चारागाह मैदान, नगण्य समुद्री प्रभाव वाला क्षेत्र, 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा के बीच वर्षा। ये उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित हैं, जो आपकी चारों ये विशेषताएं हैं? एक किस भौगोलिक विशेषता की से संबंधित हैं? तो यह है आपकी पेरी के मैदान। क्या है? सी ऑप्शन, पेरी। पेरी आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला शीतोष्ण घास के मैदान है, जो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। जो आपका कैंटबरी है, ये आपका न्यूजीलैंड का है, और कैंपोस आपका ब्राजील का, लानोस आपका वेनेजुएला का। उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये आपके मरुस्थल हो गए, ये महासागरीय धाराएं। सुनोरन, गल्फ स्ट्रीम, गलत है। आटाकामा, पेरू की धारा, सही है। नामिब, अगुलास, गलत है। इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो 1 और 3 सही नहीं है, ठीक है। दूसरा सही है। याद रखिए, इस पॉइंट को हर बार पढ़ लिया करिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर इसमें पूछता कि सही है तो केवल दूसरा होता, लेकिन इसमें पूछा है सही नहीं है, तो 1 और 3 सही नहीं है। गर्म मरुस्थल एवं ठंडी महासागरीय धाराओं के बीच सह संबंध। जो आपका प्रश्न में सभी मरुस्थल पूर्णतः या आंशिक रूप से महाद्वीपीय के पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं, 25 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के पास ठंडी महासागरीय धाराओं के कारण गर्म मरुस्थल निर्मित होते हैं। ठंडी धाराएं ऊपरी वायु को शीत और शुष्क वायु राशि में परिवर्तित कर देते हैं। आसपास की भूमि के शुष्क हो जाने के परिणाम स्वरूप मरुस्थल बनते हैं। गल्फ स्ट्रीम और अगुलहास गर्म महासागरीय धाराएं हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, इसलिए इन धाराओं के परिणाम स्वरूप मरुस्थल नहीं बनते हैं। हम्बोल्ट धारा, जिसे पेरू की धारा भी कहा जाता है, एक कम लवणता युक्त ठंडी महासागरीय धारा है, जो दक्षिण अमेरिका के तट पर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। यह धारा उत्तरी चिली में पेरू के आटाकामा मरुस्थल एवं पेरू की तटीय क्षेत्र में और दक्षिणी इक्वाडोर की शुष्कता के लिए भी काफी सीमा तक उत्तरदायी है। कैलिफोर्निया धारा है, जो आपकी कैलिफोर्निया धारा के प्रभाव से सोनोरन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका तथा बेंगोला धारा के प्रभाव से नामिब मरुस्थल अफ्रीका बनता है। याद रखिए, तो इसमें आपका था सी। क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन क्या है 11? यह भूमध्य रेखीय वर्षावनों, गर्म मरुस्थलों के बीच पाई जाने वाली एक संक्रमणकारी प्रकार की जलवायु है। इस क्षेत्र में बाढ़ और सूखा सामान्य परिघटनाएं, अत्यधिक दैनिक तापांतर एक प्रमुख विशेषता है। व्यापारिक पवने इस क्षेत्र की प्रचलित पवने हैं, जो तटीय क्षेत्रों में वर्षा लाती हैं। गर्मियों में तट की ओर चलने वाली पवनों के कारण वर्षा होती है, और शीतकाल में अपतटीय पवनों के कारण शुष्क जलवायु परिस्थितियां बनती हैं, तथा पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। इस क्षेत्र में अलग से वर्षा ऋतु नहीं होती है। उपयुक्त जो गद्यांश दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो याद रखना है, 11 में आपका हुआ सवाना सूडानतुल। सवाना सूडानतुल जलवायु क्षेत्र का सर्वोत्तम वर्णन करता है।
बात करते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन। उर्मिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह इराक में अवस्थित है, गलत है। यह ताजे पानी की झील है, यह भी गलत है। यह झील एक यूनेस्को जैवमंडल आरक्षित है, यह आपका सही है। तो 12 में आपका तीसरा केवल कथन सही है। उर्मिया झील जो आपकी है, उत्तर पश्चिमी ईरान में है, ना कि इराक में। कहाँ है? ईरान में। यह कई द्वीपों युक्त एक अति लवणीय झील है जो विस्तृत दलदल भूमि से घिरी हुई है। झील में जल की आपूर्ति वर्षा झरनों और जलधाराओं से होता है और जल स्तर एवं लवणता में मौसमी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसकी लवणीय दलदली प्रकृति कई प्रवासी पक्षियों को आकर्षित भी करती है। ठीक है, तो इसमें था केवल 3, 12 में आपका सी था। क्वेश्चन है हमारा 13। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है? एक सौ 103वें संविधान संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सही है। अगला अनुच्छेद 15 सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों को आरक्षित करने की अनुमति देता है। बिल्कुल गलत है। लाभार्थी की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर की जाती है। यह भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में केवल एक कथन आपका सही है, बाकी 2 और 3 गलत हैं। अनुच्छेद 15 शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है, जो आपका आर्टिकल 15 है। इस शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के तहत सेवाओं में प्रतिनिधित्व का उल्लेख करता है, आर्टिकल 16। केंद्र सरकार परिवार की आय और आर्थिक वंचना के अन्य संकेतकों के आधार पर नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की को अधिसूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका केवल एक कथन सही था, जो बी था। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अल्टीमा थुले मंगल ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। गलत है। नासा के न्यू होराइजन्स की अंतरिक्ष यान को अल्टीमा थूले पर पानी के साक्ष्य मिले हैं, ये आपका सही है। कुइपर बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र बेल्ट है, ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में केवल आपका दूसरा कथन सही है। जनवरी 2019 में नासा का न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान कुइपर बेल्ट में अल्टीमा थुले नामक एक बर्फीले पिंड के पास से गुजरा। यह अभी तक ज्ञात खगोलीय पिंडों में सबसे दूर अवस्थित है। कुइपर बेल्ट सौर प्रणाली का एक भाग है, जो 8 प्रमुख ग्रहों से परे के क्षेत्र है, जो वरुण अर्थात नेपच्यून ग्रह की कक्षा से शुरू होता है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका बी था सही, केवल 2। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। समाचारों में रहने वाला पद इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों की गुप्त जानकारी का दुरुपयोग करते हुए प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने से। 15 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारा 16। चर्चा में रहा पेरिस कॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका साइबर सुरक्षा से, सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किन को पृथ्वी के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? शक्तियों का परिसीमन सही है, विधि के समक्ष समता ये भी सही है,
सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये आपका गलत है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपके 1, 2, 4 कथन सही है, तीसरा गलत है। विधि के शासन के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है, विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता का अस्तित्व और संरक्षण, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का परिसीमन, जनता के प्रति सरकार की उत्तरदायित्व, कानून के क्रियान्वयन में निष्पक्षता, मनमानी पूर्ण व्यवहार की अनुपस्थिति और प्रतिक्रियात्मक एवं कानूनी पारदर्शिता आदि। ठीक, तो इसमें आपका 17 में 1, 2, 4 सही था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। बात करते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन की। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिबिंबित करता है? तो यह है, यह विधि नहीं है जो स्वाधीनता भी, तो स्वाधीनता भी नहीं है। तो 18 में आपका बी होगा, 18 में क्या होगा, बी होगा। स्वाधीनता का अर्थ है व्यक्ति किसी भी प्रकार के मनमाने या अवैध प्रतिबंध या नियंत्रण के बिना काम कर सकता है। स्वाधीनता का मतलब सभी कानूनों का पूर्ण अभाव नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 19वें क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, सही है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी है। समृद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है। ये आपकी भारतीय संघ पद्धति की विशेषताएं हैं। यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये नहीं है आपकी, ये विशेषता नहीं है। तो इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन 19 में होगा आपका डी, 19 में डी। भारतीय संघवाद की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, क्या क्या हैं? द्वैत राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका। संघीय सदन के रूप में राज्यसभा का गठन किया गया है, जिसमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने से राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार कर्तव्यों के साथ संबंधित हैं, बीच में आपका ए होगा, बीच में क्या होगा, ए। अनुच्छेद 21 से मूल अधिकार में कहा गया कि राज्य 6 वर्षों से 14 वर्षों तक आयु वाले जो बच्चे हैं, सभी बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 51 ए के में क्या कहा गया, मौलिक कर्तव्य में माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सब अपने बच्चों के लिए यथास्थिति शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ये था आपका 20वां क्वेश्चन।